अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम मेरा सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इस्बा बेग। उम्मीद है नाज़रीन आप खैरियत से होंगे और साथ ही साथ ज़िंदगी की रौनकों को जो है वो आप इंजॉय कर रहे होंगे। कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर बन जाओ तो क्या। कुछ रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर ज़ख्म अगर महकाओ तो क्या। जी हाँ नाज़रीन, हमें ज़िंदगी का वो लम्हा, वो पल जो खुशियों भरा होता है, हमें हंस के और भरपूर तरीके से जी लेना चाहिए। न जाने ये लम्हे और ये पल जो हैं वो कब आएँ। हम अगर गम की फ़िक्र उन्हीं लम्हों में करेंगे जो लम्हे खुशियों वाले हैं, फिर हम उन लम्हों से भी जो हैं महरूम हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी को हमें हंस के और मुस्करा के जो है वो गुजारना चाहिए और ज़िंदगी की तमाम रौनकों को जो है उनसे हमें लुत्फ़अंदोज़ होते रहना चाहिए। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम मेरा सफ़र में आपके जिस शख्सियत से मैं मुलाकात करवाने लगी हूँ, उनका नाम है हनीफ़ मुस्तफ़वी, जो कि ग्लोबीज़ एवेन्यू के चेयरमैन हैं। गवादर में उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, साथ ही साथ लाहौर में और खारियां जहलम में जो हैं उनके बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो शख्सियत हैं ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत मुतहरिक रही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक जो हैं उसके ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं और यूथ विंग के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, स्टूडेंट विंग के भी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। और 1993 से 2014 तक ये तमाम जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं इसमें ये बहुत मुतहरिक रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनकी ज़िंदगी के तमाम हालात जानते हैं कि एक मतवसत तबके से इनका ताल्लुक था तो किस तरह इन्होंने मेहनत की और ये मकाम हासिल किया और आज ये इतनी बड़ी जो इनकी सोसाइटी है, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके ये मालिक हैं। तो आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी का सफ़र। चलिए जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं ग्लोबल एवेन्यू के चेयरमैन हनीफ मुस्तफ़वी के पास। इनकी ज़िंदगी का सफ़र जो है हम जानते हैं, इनके सवालात और गुफ्तगू का सिलसिला। तो इस तरह जो है वो आप अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं, ये आपने बताया कि उसके जो है मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो बचपन में भी क्या इसी तरह आप रेगुलर चल रहे होते थे सुबह उठना है और नमाज़ पढ़नी है या वालदैन की डांट पर साथ साथ? यकीनन जो सोहबत का असर होता है, वालदैन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। मैंने जिस घर में आँख खोली तो उस घर के बिल्कुल साथ मस्जिद थी, और मैंने जब आँख खोली तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद साहब को कभी भी सुबह की नमाज मस्जिद में जाकर हमेशा पढ़ते थे और कभी मिस करते हुए मैंने नहीं देखा। तो वो फिर जब फादर पढ़ते थे तो जब हम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कोशिश की कि जो बच्चे हैं अगर मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो बच्चे भी मस्जिद में जाएं। तो वैसे जैसे देहातों में होता था कि वहाँ पे जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं वही कुरान पाक पढ़ाते हैं, कारी होते हैं वो कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो वही सोर्स होता था, सिर्फ एक सिंगल सोर्स होता था कुरान पाक पढ़ने का, तो बच्चे बच्चियाँ वहीं पढ़ते थे। तो वालद साहब को सारी उम्र मैंने इसी तरह देखा। फिर हम शहर में शिफ्ट हो गए फैसलाबाद में गांव से, तो फिर मैंने वालद साहब को हमेशा सुबह की नमाज मस्जिद में जा कर पढ़ते देखा, तो उनकी सोहबत का फिर असर जो है। जी हाँ जी। तो फैसलाबाद से जो है वो आपका ताल्लुक? जी, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से आगे समुंदी रोड पे एक गाँव है 254 RB, वहाँ से मैं पैदा हुआ, सातवीं क्लास तक वहाँ ही रहे और फिर उसके बाद फादर जो मेरे हैं उनकी जॉब थी फैसलाबाद सिटी में, तो फिर सिटी में शिफ्ट हो गए। देखें जी, वो कुछ लोग होते हैं जो लकीली सोने का चम्मच लेके मुँह में पैदा होते हैं और उनके बैकग्राउंड पे एक बिज़नेस होता है, एक उनके फोर फादर्स की बिज़नेस की एक हिस्ट्री होती है। तो मेरे जो फादर थे वो एक छोटी सी जॉब सरकारी मुलाजमत करते थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद में, और उसके अलावा छोटा सा कुछ ज़मीन थी वहाँ पर, ज़मींदारा था, तो बड़े कनात पसंद
और अल्लाह की तरफ रजू रखने वाले मेरे वाले साहब ऐसे इंसान थे दिया उस पे गुजारा करें। अच्छा उसमें अच्छा जो वो ज़्यादा कनात पसंद थे कि जितना जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं मेहनत उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने हालात के मुताबिक उन्होंने भी मेहनत की। यानी इंडिया से वो माइग्रेट होके आए वो पढ़ नहीं सके और वो उस वक्त उस एज में थे कि जब एजुकेशन का स्टूडेंट्स लाई होती है चौथी पाँचवीं क्लास में वो थे उस वक्त। तो जो उन्होंने अपने सरकमस्टांसेस में बहुत मेहनत की और उन्हीं की मेहनत की वजह से यानी मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और मैं पढ़ा और फिर आगे मैंने बिजनेस का सोचा। तो यकीनन जो इंसान की जितनी भी स्ट्रगल होती है उसमें अल्लाह ताला के करम और फजल के बाद वालदैन की तरबियत और उनकी मेहनत का बहुत बड़ा अमल रहता है। तो जो आपकी मदर थी वो किस सोच की मालिक थी? फादर का तो आपने बताया कि एक मदर थी। मेरी मदर हमारे घर का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट था वो बड़ा रिलीजियस माहौल था और मजहबी रुझान हमारे घर में वालदैन की वजह से था। और मेरी वालदा एक कंप्लीट हाउसवाइफ खातून थी और वो बच्चों की भी तो बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है यकीनन। हाँ जी यकीनन। वालिदा की इन्वॉल्वमेंट को आप कितना देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो कहते हैं ना कि जी अपने मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो बिल्कुल इसी तरह है। अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो या एक की भी कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो तो बच्चों की पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं होती और जी और वो पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं होती और जो कुछ बच्चे को अचीव करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर वो अचीव नहीं कर पाता। तो वालदैन दोनों वालिद और वालदा दोनों का बहुत अमल दखल होता है बच्चों की तरबियत में और उन की करेक्टर साजी में और उनकी फ्यूचर की अचीवमेंट में। तो ये दोनों हस्तियों का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं एजुकेशन के हवाले से जो हम इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेना चाह रहे हैं वो बताएं कि आपके प्रोजेक्ट्स की तरफ हम आते हैं तो एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? मैट्रिक, देन आपका इंटर, देन ग्रेजुएशन और देन MSc मास्टर्स। जी मैंने एजुकेशन मेरी मैंने बताया कि मैं अपने गांव में एक लोकल स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल था वहाँ से सातवीं क्लास तक मैंने पढ़ा। स्कूल में कैसे बच्चे होते थे? पढ़े लिखे नहीं या वो क्लास के हाफ में मिड में नहीं मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं एक एवरेज मैं एवरेज स्टूडेंट एवरेज था लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बड़ा मेरा मेरी इन्वॉल्वमेंट थी तो मेरा वक्त उधर बहुत गुजर जाता था। क्रिकेट, जैवलिन, बैडमिंटन जी मैं ने जो है वो क्योंकि हमारा गांव का माहौल था तो गांव में जो है वो कबड्डी बड़ी खेली जाती थी तो मैंने कबड्डी खेली है और मैंने जो कबड्डी में पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम का भी मेंबर रहा हूँ कबड्डी में। लेकिन जब मैंने सेवन्थ क्लास तक वहाँ से पढ़ा उसके बाद मैं जब वाले साहब फैमिली को लेकर फैसलाबाद सिटी में शिफ्ट हो गए तो फैसलाबाद में फिर मैट्रिक तक कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि जिस स्कूल में मैं दाखिल हुआ वहाँ पर किसी किस्म की कोई ग्राउंड कोई प्ले एरिया कुछ नहीं था। तो जब मैं इंटर में गया तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं कॉलेज में इंटर में दो साल सेकंड बेस्ट एथलीट था। उसके बाद हमारा एक अपने पूरे पंजाब के हमारे जो कॉलेजेस थे उनका एक इंटर कॉलेज एक एथलेटिक्स का टूर्नामेंट हुआ इंटर कॉलेज कंपटीशन होता
उसमें मैं पंजाब में सेकंड बेस्ट था। तो इससे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रगबत थी, तो उसकी वजह से एजुकेशन में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। उसके बाद मैंने बीकॉम किया फैसलाबाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और फैसलाबाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम करने के बाद मैं लाहौर चला गया, और यहाँ से मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए किया मार्केटिंग और फाइनेंस में। ये मेरी एजुकेशन हिस्ट्री है। ठीक हो गया। तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस जब आपने पढ़ी तो आपका तभी इरादा बन गया था कि कुछ बिजनेस करूँ? नहीं, मैंने मेरे वालिद साहब, क्योंकि उनकी कोई बहुत ज़्यादा इनकम के ज़राए महदूद ज़राए थे, तो हर फादर की तरह उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बीकॉम कर लिया है तो मैं कुछ जॉब करूं और मैं कुछ अपने घर के लिए उनका हाथ बटाऊं उनके तरफ। तो लेकिन मेरा रुझान बिज़नेस की तरफ था, और फिर मैंने 1994 में मैंने अपने भाइयों के साथ मिलकर तो फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस हमने शुरू किया। तो फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस से मेरे कारोबारी सफ़र का आगाज़ हुआ था। मेरा ही आइडिया था, वो मेरा ही आइडिया था। और मेरे फादर बिज़नेस के, ये आप अजीब आपको मालूम महसूस होगा कि मेरे फादर बिज़नेस के केस थे, वो कहते बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अच्छा, वो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ऐसा सोचे? वो कहते, वो मुझे कहते थे, बेटा देखें, जॉब का ये पता होता है कि मंथली 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये आपके आने हैं, आप उसके अंदर अपना बजट प्लान करके सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। तो बिज़नेस में आए तो बहुत आए, ना आए तो भूखे बैठे रहें, तो टेंशन बड़ी होती है, वो टेंशन फ्री लाइफ के आदि थे। तो मैंने वहाँ से बिजनेस उसमें गुजारा किया जी। जी, तो मैंने फिर जब फैसलाबाद का बिज़नेस थोड़ा बेहतर हो गया, तो उसके बाद हम चार दोस्तों ने मिलकर लाहौर में बिज़नेस का आगाज़ किया, और अराउंड 2000 में, हाँ जी 2000-2001 में, और हमारे लाहौर में हमने जो ये रियल इस्टेट का काम, रियल इस्टेट का काम शुरू किया, और हमने स्टार्ट यहाँ से किया रियल इस्टेट का, कि हम यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते थे, उसको फिर बेच देते थे, हम परचेज सेल परचेज अपनी सेल परचेज करते थे। तो फिर 2003 में हम एक दोस्त की वसात से ग्वादर चले गए। किसी दोस्त ने हमें इनवाइट किया कि ग्वादर में बहुत काम हो रहा है रियल इस्टेट का, तो आप आओ। तो हमने वहाँ पर जाके ज़मीन ख़रीदी, और सबसे पहले हमने 100 एकड़ ज़मीन हमने खरीदी, और उसके ऊपर हमने NOC लिया, और हमने अपनी कंपनी बनाई ग्वादर बिल्डर्स एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, और हमने अपना ब्रांड नेम जो रखा वो है ग्लोबिज एवेन्यू। तो ग्लोबिज एवेन्यू फेज़ 1, ग्लोबिज एवेन्यू फेज़ 2, ग्लोबिज एवेन्यू फेज़ 3, ग्लोबिज एवेन्यू फेज़ 4। इस वक्त हमने ग्वादर एवेन्यू फेज़ 4 लॉन्च किया हुआ है, और ये ग्वादर के अंदर जो ग्वादर की सेंट्रल रोड है बलूचिस्तान ब्रॉडवे, उसके ऊपर है ये, वो हमारे प्रोजेक्ट के सेंटर में से गुजर रही है। तो ये बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये मुख्तसर सी बिजनेस हिस्ट्री है। फिर 2003 में किस तरह आपने ग्वादर के साथ में ग्वादर को आपको, आप ग्वादर को लोकल प्रॉपर्टी के तनाजुर में नहीं देख सकते। ग्वादर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और ग्वादर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि ग्वादर बहुत सी जो पाकिस्तान के एंटी फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस नहीं चाहती कि ग्वादर डेवलप हो। मुशर्रफ दौर में जब ग्वादर का आगाज़ हुआ, पोर्ट बनना शुरू हुई, और 2004 में पोर्ट का
फेज़ वन कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप ना कर सका। अनलकीली उन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया, अकबर भुट्टी की डेथ हो गई, वो एक बम ब्लास्ट में ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। तो अकबर भुट्टी की डेथ के बाद ये वही दिन थे कि जब मुशर्रफ साहब जो है उनका दौर इख्तिताम पज़ीर हो रहा था। तो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट पे गिरफ्त बड़ी कमज़ोर हो गई और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो गवर्नमेंट का भी फोकस नहीं रहा और वहाँ पे जो अमन आमा की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो भी बेहतर नहीं रही। तो गवादर एक बहुत बड़ी रियलिटी है, वो कल भी थी, वो आज भी है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस रियलिटी को कितनी तेज़ी में, कितनी तेज़ी के साथ डेवलप कर लेती है और लोगों को वहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी फराहम करती है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो मुतहरिक नज़र आ रही है आपको? इस वक्त देखें, जब से जो चाइना इन्वॉल्व हुआ है गवादर के अंदर और पोर्ट का ऑपरेशन चाइना ने ले लिया है और सी पैक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जो 75-76 बिलियन डॉलर का पे चला गया है, वो इसमें रोड्स हैं, इसमें रेलवे लाइंस हैं, इसमें पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, इसमें गवादर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सी पैक का हिस्सा हैं, जिसमें गवादर के अंदर एक्सप्रेस वे है, गवादर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, गवादर के अंदर पहला पाकिस्तान का, तमाम पाकिस्तानी फोर्सेस का जॉइंट कंटोनमेंट बनने जा रहा है जिसके लिए ज़मीन खरीद ली गई है, गवादर के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रही है, गवादर के अंदर फ्री जोन बन रहा है और जनवरी के अंदर पहली एक्सपो गवादर के अंदर होने जा रही है जिसमें 200 चाइनीज कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। भी जो है वो क्या डेवलपमेंट होगी ये हम आपसे भी जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर से हनीफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, हमारे साथ चलिए।